If you are interested, keep on watching this video till the very very end. But if you are new to my channel, take out a moment, hit that red subscribe button. Now, without any further blabbering, let's just dive right into video. Mm -hmm. so, all, to to the video. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फटाफट से Maybelline Vinyl Ink के ना तीन swatches दिखा देती हूँ। ये बहुत तीन shades हैं जो मेरे absolute favorite हैं। तो सबसे पहला shade है सिक्सटी टू इर ये बहुत ही प्यारा न्यूड कलर है दिस लुक्स प्रिटी विद एंड विदाउट मेकअप ऑन मी मेरे लिप कलर का एग्जैक्ट मैच शेड यही है ये दिस इज लाइक द परफेक्ट न्यूड जो मैं एवरी डे बेसिस पे पहनती हूँ एंड ऑन इंडियन वेयर दिस लुक्स सो प्रिटी क्योंकि इसमें एकदम स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ पिंक एंड मॉव है तो ये कलर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है द सेकेंड कलर इज टेन लिपी विच इज़ अ बोल्ड कलर नाउ इट इज बिटवीन रेड एंड पिंक तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है ना यू गाइज नो आई डोंट लाइक स्ट्रेट अप पिंक तो ये वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है इफ आई वॉन्ट टू गो बोल्ड एंड ग्लॉसी आई प्रेफर वेयरिंग दिस लिप एंड माई मॉम इज लाइक ऑब्सेस्ड विद दिस कलर दिस इज दर्ड एंड माई फेवरेट कलर वन थर्टी एक्स्ट्रा जिसका एक्ट ड्यूप में आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ दिस इज लाइक अ ब्यूटिफुल ब्राउन कलर जिसमें थोड़े थोड़े ऑरेंज के आपको हिन्स दिखेंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर कलर है एंड मुझे तो ऐसा कलर बहुत ज्यादा पसंद है आप लोगों को पता ही है जो की पूरे दिन टिक भी जाता है सो यू नो वर्ट बेटर देन दैट तो जब मुझे पता चला कि मार्स चाहती थी कि इस कलर को ड्यूप करूं कलर सो आई गोट दिस मार्स का सिनेमैजिक कलर्ड लिप ग्लॉस इन देड मस्तानी एंड अब मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ की ये दोनों कलर कैसे लगते हैं लेट मी जूम यू गाइज इन तो चलो अब मैं अपने लिप्स के एक साइड पे लगाऊंगी शेड एक्स्ट्रा ओके सो आपने देखा कि इसका पिगमेंट अच्छा है एक ही बार डिप करने में मैंने अपना हाफ लुक पूरा कवर कर लिया एंड मैंने दो कोट नहीं लगाए हैं दिस इज जस्ट द पिगमेंट दैट वी गेट इन वन सिंगल कोट ना ये ड्राई जब तक होता है तब तक हम दूसरे साइड लगा लेते हैं मार्स का सिनेमेजिक लिप ग्लॉस इन देड मुस्तानी नाउ दिस इज सच ब्यूटिफुल कलर जो की मुझे एक नजर में स्वच ऑनलाइन देख के लग गया था की शायद ये एक्स्ट्रा के जैसा ही है आप बताओ क्या आपको कोई डिफरेंस नजर में आ रहा है

ये साइड बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता इट फील सो नरिशिंग ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने लिप्स पे लिप ऑयल लगा रखा है इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टेक्स्चर एंड इट फील सो लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल एंड जब मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरे लिप्स इस साइड में आपस में स्टिक नहीं हो रहे हैं ओवर द टाइम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इधर अंदर से हटने लगती है

लेयर ही रिमूव हो जाती है बट इट नॉट ट्रांसफर अ लॉट मतलब पिगमेंट आपके लिप्स पे रहता है है बट जो टॉप वाली लेयर होती ना वो थोड़ी थोड़ी, थोड़ी रिमूव होने लग जाती है बट जो मार्स वाला साइड है इट डज नॉट ट्रांसफर एट ऑल आप जब भी किस टेस्ट करोगे तो आपके हाथ में इस तरीके से ना ये शाइन आपको दिख रही है ये शाइन जो टॉप मोस्ट ग्लॉस वाला पार्ट होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सा आपके हाथ में ट्रांसफर होता है द तो शाइन ट्रांसफर बट द कलर डज नॉट ट्रांसफर एट ऑल अभी आपने देखा कि मैंने जो ट्रांसफर टेस्ट किया उसके बाद ये वाला साइड देखो मार्स के साइड कुछ भी नहीं हुआ है एंड जो वाइनल इंक वाला साइड है उसमें यहाँ से मेरी लिपस्टिक रिमूव हो गई है थोड़ी सी सो कंपेयरिंग द टू दिस वन इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर टेस्ट अभी स्मच प्रूफ अगर मैं देखूँ तो ये दोनों ही लिपस्टिक्स काफी ज्यादा स्मच प्रूफ हैं तो स्मच तो नहीं होती है एंड ये जो ग्लॉसीनेस है ये पूरे दिन लास्ट भी करती है सो so येस yes, अभी अगर मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन से ही बता दू ना तो मार्स वाला जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड अब मुझे लग रहा है कि मैंने ये वायलिन के तीन शेड्स क्यों मंगाए लाइक आई है सो मच मनी साढ़े आठ सौ साढ़े आठ सौ साढ़े आठ सौ की तीन लिपस्टिक्स मैंने मंगाई है ऑल दो मैंने इन्हें थोड़े से डिस्काउंट पे ही मंगाया था बट स्टिल लाइक साढ़े आठ सौ और तीन सौ का तो आपस में कोई कंपेरिजन ही नहीं

आप स्किप कर सकते हो सो so, अभी बज रहे थ्री फिफ्टी एंड यहाँ से हम वेटर स्टार्ट कर रहे हैं अभी आप देख सकते हो कि दोनों ही साइड लिप ग्लॉसेज एकदम परफेक्ट हैं एकदम अच्छे से शाइन कर रहे हैं आई विल चेक इन विद यू गाइज इन सम टाइम चेकिंग इन एट 427। uh, ये वाली लिपस्टिक ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है लुक एट दिस एंड उसकी वजह से ना अंदर की तरफ से इस तरीके से इफ यू कैन सी इस तरीके से ये निकल रही है एंड इट इज बॉर्डरिंग मी बिकॉज ये बार बार ना इधर अंदर की तरफ कलेक्ट हो जा रहा है अंदर से टिश्यू से एंड ये इस तरीके से निकल रही है बट ये जो मार्स वाला साइड है अभी भी बिल्कुल लाइट वेट है मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा की मैंने इस साइड कुछ भी लगा रखा है बट सोफा और बोध लिपस्टिक्स अरिंग ब्यूटीफुल अभी तक हटी नहीं है दोनों में से कोई सी भी एंड शाइन दोनों की ही बरकरार है तो अभी मैं कुछ घंटों के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ की क्या अपडेट है

अब मैं नेक्स्ट चेक इन आप लोगों के साथ आफ्टर डिनर करूंगी दिखाने के लिए कि डिनर के बाद ये कितना हटती है क्योंकि आई एम फास्टिंग तो अभी मैंने पूरे दिन कुछ सच खाया नहीं है सो या आई विल सी यू आफ्टर डिनर नाउ नाउ ओके सो दैट इट इज करेंटली नाइन पी एम सो अबाउट फाइव टू सिक्स आवर्स तो अभी हमारे लिपस्टिक का ये हाल है लुक एट दिस यहाँ से पूरी हट चुके हैं एंड आई हैड लाइक प्रॉपर प्रॉपर डिनर विद यू नो अच्छा खासा ऑयल एंड एवरीथिंग तो लिपस्टिक हट गई है ग्लॉस हट गया है। बट uh, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो हटा है एंड इन वाली साइड स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लॉस शाइन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही साइड द शाइन इज एज इट इज जैसे हमने स्टार्ट किया था शाइन में कोई वो को नहीं आया बट ये yes, मार्स वाली लिपस्टिक खाना खाने के बाद ज्यादा हटी है कंपेयर टू द मेविलीन वाले लिपस्टिक तो या अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेबिलीन वाली कंपेरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग है दैन द मार्स वाली बट इस तरीके से हटी है कि रिटच तो मुझे मेबलिन वाली भी करनी ही पड़ेगी बट हाँ कंपेरेटिवली आप देख सकते हो कि मार्स वाली साइड से मेरी लिपस्टिक ज्यादा रिमूव हो गई है सो येस गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए इन दोनों लिपस्टिक्स के कंपेयर करके लिप ग्लॉसेस के एंड ये दोनों ही लिप ग्लॉसेस अपने आप में काफ़ी ज्यादा अच्छे हैं ऑब्वियसली मे वाइनलिंग जो है वो एक पेटेंटेड फॉर्मूला है जो कि सबसे पहले मार्केट में आया तो इट इज़ गुड नो डाउट बट अगेन जब हम प्राइस पॉइंट कंपेयर करते हैं ना तो उस टाइम पे यू कैन कंसिडर कि अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग लिप ग्लॉस चाहिए और आपको थ्री हंड्रेड में मिल रहा है तो वॉइस पेट एट फिफ्टी राइट बाकी आपने पूरा वीडियो देख ही लिया